हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना एन एफ एक्सप्लोर। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक और नई वीडियो जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है या फिर पेट्रोल टू व्हीलर है, क्योंकि आजकल हम काफी ज्यादा न्यूज़ में देख रहे हैं या फिर काफी सारे लोगों ने इस चीज को फेस भी करा है कि अपने जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है वो आग पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मेनली स्कूटियों के अंदर आग लग रही है, लेकिन किस्मत का कुछ नहीं पता है। बाकी अगर बात करें पेट्रोल वाली टू व्हीलर की तो वो भी कहीं कम नहीं है, उनमें भी आग लग जाती है। सो आज इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और पेट्रोल वाले टू व्हीलर है, ये आग पकड़ते क्यों है और किन किन गलतियों की वजह से आग पकड़ लेते हैं। और इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो आग पकड़ लेते हैं, आप उनसे अपने टू व्हीलर को कैसे सेफ रख सकते हैं और क्या ही ये प्रॉब्लम रहती है, उन चीजों को करेंगे पूरा का पूरा कवर। और देखेंगे कि इनमें जो आग लगती है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता है, अपनी कोई गलती होती है, किस्मत खराब होती है। सो किस्मत को देखेंगे बाद में और इस वाली वीडियो में हम करेंगे इन्हीं सब चीजों को कवर। इसीलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आज इस वाली वीडियो से मिलने वाली है। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं ईवी से रिलेटेड काफी सारे कंटेंट लाता रहता हूं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते अपनी इस वाली वीडियो को और आते अपने पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, खासकर की जो स्कूटियां हैं वो आग क्यों पकड़ती हैं, और जो अपने ये पेट्रोल वाले टू व्हीलर हैं वो आग क्यों पकड़ते हैं। उसमें स्पेशली बाइक होती है और इलेक्ट्रिक के अंदर स्पेशली स्कूटियां होती हैं जो आग पकड़ रही हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेन कॉज जो मुझे लगता है वो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है आजकल के टाइम पे। आज के भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री है दिल्ली के अंदर, और मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो देखी है वो दिल्ली के अंदर की नहीं थी। अगर दिल्ली के अंदर की हुई तो हो सकता है मेरी नजरों में ना ही, और जितनी भी वीडियो मेरी नजर में आई थी वो ज्यादातर सारी आउट ऑफ दिल्ली की थी, और जिस भी जगह की थी वो उस जगह पे जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हो काफी ज्यादा होता है। जैसे महाराष्ट्र में जो पुणे के अंदर ओला के अंदर आग लगी थी, वो उस जगह पे टेम्परेचर दिल्ली के मुकाबले ज्यादा होता, और उसका जो रीजन था वो भी बिल्कुल अलग था। और एक जगह मैंने देखा था कि बुलेट की टंकी फट गई थी, वो उसको काफी लंबा राइड कर लाया था और वो पूजा करवाने जा रहा था बेसिकली अपनी बुलेट की, तो वो ब्लास्ट हो गई थी। और एक वीडियो मेरे सामने आई थी कि जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें अचानक ही आग लग गई थी, और फिर उसको किसी ने खोला और वो ऐसे करके ब्लास्ट हो गई, और वहां पे भी काफी ज्यादा लोगों को हार्म हुआ था। और इन सब के चलते जिन बंदों की किस्मत खराब होती है वो तो अपनी जान से हाथ धो ही बैठते हैं, लेकिन हम भी काफी चीजों की गलती कर देते हैं जब हम अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को चलाते हैं। खासकर आज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करेंगे, पेट्रोल वाला कॉन्सेप्ट एक अलग हो जाता है। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की, ये आग क्यों पकड़ते हैं, और ये तो इनके अंदर तो पेट्रोल भी नहीं होता है, सो इनका आग पकड़ने का क्या कारण है। सबसे पहला कारण है इनकी बैटरी। बैटरी में या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकता है इसलिए भी आग पकड़ लेते हैं, या फिर जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसका बढ़ना भी एक कारण है, और तीसरा जो कारण है वो है शॉर्ट सर्किट, और जो चौथा कारण है वो सबसे मेन है जो हम सभी गलतियां करते हैं, वो है ओवर चार्जिंग की, जो हम रात को चार्जिंग में लाकर छोड़ देते हैं और सुबह तक व्हीकल चार्ज होते हैं, उन सबकी कमियों की वजह से ही इनमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की, कि उसकी वजह से क्यों आग लगती है। तो होता ये कि जो बैटरी पैक होता है वो काफी बड़े होते हैं, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरी पैक है देखे होंगे, कोई इतना बड़ा होता है, कोई इस वाली साइड में बड़ा होता है, तो उन बैटरी पैक्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लिथियम आयन सेल्स लगे होते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ जो लिथियम आयन सेल होते हैं उनकी क्वालिटी मेजर्स कैसे होते हैं वो हम में से किसी को भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ उसको पता होता है जो उस बैटरी पैक को बना रहा है। और ज्यादातर जो बैटरी पैक बनते हैं वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनते हैं, और फिर उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। अब मैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी को तो यहाँ पे गलत नहीं बोलूंगा, यहाँ पे गलती होती है जो बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन चीजों को ढंग से देखते नहीं है, या तो उस चक्कर में उनके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जो लिथियम आयन सेल होता है वो इतने सारे होते हैं, वहां पे किसी एक के अंदर भी प्रॉब्लम होती है तो वो धीरे 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 करके सबको जला देता है, और आपने काफी सारे केसेस में देखा होगा एकदम से धुआं निकलने लग जाता है। आप घर के अंदर भी किसी सेल को लेना और वो चार्ज होना चाहिए, उसके दोनों टर्मिनल्स को आप आपस में मिलाएंगे तो आपका भी जो हाथ होगा वो एकदम से गर्म हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, इतना टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो वही केस या लिथियम आयन सेल के अंदर देखा जाता है कि किसी एक बैटरी की प्रॉब्लम के चक्कर में पूरी बैटरी पैक खराब हो जाता है, उसमें धुआं निकल जाता है, आग लगती है, ब्लास्ट हो जाता है, और उस टाइम पे उस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को कोई राइड कर रहा होता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, उसकी किस्मत भी खराब होती है। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट वाली जो गलती होती है वो ये होती है। अब बात करते हैं जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उसके कारण से क्यों आग लगती है। होता क्या है कि हम जो अपने ये व्हीकल्स हैं उनको या तो धूप के अंदर खड़ा कर देते हैं, तब इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये चीज़ें मैंने भी फेस करी है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंड होता है कि उसको हम काफ़ी ज़्यादा राइड करते हैं, और एक तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर खुद इतना ज़्यादा हाई हो रखा है, और फिर जब हम इनको राइड करते हैं तो उस टाइम पर उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको कूल होने का टाइम नहीं मिलता है, और वो या तो एट दी एंड वो ब्लास्ट कर जाती हैं, या फिर उनके अंदर कोई और मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये तो रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर की अगर बात भी करें तो ये पेट्रोल वाले जो टू व्हीलर है उनको भी काफी ज्यादा हार्म करते हैं, जो मेरे सामने केसेस आए भी थे। जैसे एक बुलेट की टंकी फट गई थी, उस वाले केस में बंदा काफी ज्यादा उस बुलेट को राइड करता हुआ लाया था, और फिर थोड़ी देर में ही वो टंकी ब्लास्ट हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ उसके साथ ब्लास्ट नहीं हुई,
तो वहाँ पे उस बंदे की भी जान जा सकती थी उसके अंदर। सो वो भी काफ़ी सही रहा वहाँ पे कि उसके उतरने के बाद ही फटी। और दूसरे वाले केस के अंदर मैंने देखा था कि वहाँ पे टंकी ने खुद आग पकड़ ली थी और वहाँ पे समझदार लोगों ने टंकी खोल दी, वैसे ही उसके अंदर गैस बन गई थी धूप में खड़े खड़े, और फिर उसने पकड़ ली आग और फिर जब किसी ने टंकी खोली तो वो ब्लास्ट हो गई। और फिर उस ब्लास्ट के चक्कर में वहाँ पे 3-4 लोगों के ऊपर आग, मतलब पेट्रोल गया तो उनके ऊपर भी आग लग गई थी, तो वो एक अलग ही तरीके की वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। सो ऐसा ही नहीं है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रॉब्लम होती है, इससे पेट्रोल वाले टू व्हीलर्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अब आप सोचेंगे कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कारों में आग क्यों नहीं लगती है। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उनके अंदर जो बैटरी पैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है, और उनके अंदर कूलिंग सिस्टम भी लगे होते हैं, मतलब काफ़ी सारी, मतलब उनके अंदर टेक्नोलॉजीज ऐड करी जाती है जिससे कि उनका टेम्परेचर ना बढ़े, और मतलब बहुत मतलब अलग ही लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी रहती है। तो इसलिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी की वजह से आग नहीं लगती है। अगर कभी लगी भी, अभी किसी के आगे केस आया भी है तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आया होगा। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें बैटरी के ब्लास्ट होने की वजह से किसी कार में ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। और जो कार की टंकी होती है वो सीट के नीचे होती है, जो पीछे वाली सीट होती है उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड में, तो वहाँ तक हीट इतनी नहीं पहुँच पाती है और उसके अंदर मतलब गैस नहीं बनती और वहाँ पे वो भी ब्लास्ट नहीं होती है। कार में भी शॉर्ट सर्किट के काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं और CNG के भी केसेस आते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि टंकी फट गई है और हीट की वजह से फटी है, तो ये एक अलग चीज़ है। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट जो होता है वो या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की वजह से होता है या फिर अपने इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा राइड करते हैं तो जो हीट ये खुद प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी वजह से जो इनके वायरिंग का जो इंसुलेशन होता है वो पिघल जाता है, तार आपस में चिपक जाते हैं और फिर पूरी बाइक या जो भी स्कूटी या जो भी है उनमें आग लग जाती है। हालांकि मैंने अभी तक मैंने रिवोल्ट के अंदर ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, भगवान की कृपा से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और टचवुड आगे ना हो तो काफ़ी सही रहेगा। लेकिन और एक और ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा, वो है एथर। एथर का भी जो बैटरी पैक है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जैसा कंपनी बोलती है और ऐसा हमने देखा भी है कि उसके अंदर ही मैंने अभी तक आग लगते हुए नहीं देखी, और ऐसा ना हो यार किसी के भी व्हीकल में आग नहीं लगे। क्योंकि जो कोई भी बंदा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करता है या फिर जो पेट्रोल टू व्हीलर को परचेस करता है उसमें अपनी मतलब काफ़ी सारी कमाई लगा देता है, ऐसी बात नहीं 2-4 रुपये के नहीं आते। अगर स्प्लेंडर की बात करें तो 85,000 रुपये की आते, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो कोई भी 1,30,000 से नीचे तो कोई भी नहीं है। ये रिवोल्ट भी आज की डेट में 1,36,000 रुपये की आती है। तो जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगी थी वो भी ओला का था, जो 1,70,000 के करीब पड़ता है ऑन रोड, और उसके अंदर आग लगी थी और वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से भी लगी थी और दूसरा अपनी गलती से भी लगी थी। अब बात करते हैं हमारी गलती की वजह से कैसे आग लगती है, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ओवरनाइट चार्ज करके। तो होता यही है कि जब हम इनको ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो इससे बैटरी पे हार्म आता है, काफ़ी ज़्यादा हार्म आता है, और दूसरा चार्जर के ऊपर भी हार्म आता है। बैटरी भी इतनी महंगी आती है और चार्जर भी इतना महंगा आता है। सो वो भी कई बार आपने केसेस देखे होंगे कि चार्जिंग में रात को बंदे ने लगाया था और वो ब्लास्ट हो गया, तो वो ओवर चार्जिंग की वजह से होता है। हमें पता होता है हमारा जो व्हीकल है वो 1 घंटे में इतना चार्ज हो जाएगा और अगर इतना डाउन है तो इतने घंटे में चार्ज हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं चार्जिंग में लगाते हैं और सो जाते हैं। और हर किसी व्हीकल की टेक्नोलॉजी और उनके जो बैटरी पैक है इतने एडवांस नहीं होते कि वो रात को लगाएं और सुबह तक सेफ रहें। ऐसे वाले जो केसेज हैं जिनमें बैटरी ब्लास्ट हुई है वो मैंने ओकिनावा में देखे थे, प्योर ईवी के अंदर भी देखे थे, और जो लोकल काफ़ी सारे जो डीलर जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं पार्ट्स असेंबल कर करके सो उनके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। सो ये वाली चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और हम देखते रहते हैं, और इन सब की वजह से जो ऑनर होते हैं वो अपनी जान खो बैठते हैं अगर उनकी किस्मत खराब होती है। सो यही कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से ईवी टू व्हीलर और पेट्रोल टू व्हीलर के अंदर अचानक से आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को सेव कैसे कर सकते हैं, अपने जो टू व्हीलर हैं उनको बचा कैसे सकते हैं। सो जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी बात करते हैं कि हम उससे कैसे बचा सकते हैं। तो अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को या फिर जो पेट्रोल वाले टू व्हीलर को हमको कंटिन्यूस इतना ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल है वो 100 किलोमीटर चलेगा, तो कंटिन्यू अगर आप उसको 100 किलोमीटर डायरेक्ट चलाएंगे तो उससे जो उसकी बैटरी का टेम्परेचर और मोटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है वो उसको कूल डाउन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से वो मतलब ठंडा नहीं होगा और फिर आग लगने के चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। सो आप इन चीज़ों से उनको बचाने के लिए एक तो अपने व्हीकल को कंटिन्यू ना चलाएं, और दूसरा चलाने के बाद अगर आप उसको कहीं पे पार्क कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको किसी शेडो के नीचे पार्क करें, या तो आप पेड़ की छाया के नीचे खड़ा कर सकते हैं या फिर किसी बिल्डिंग की छाया में खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट से उसको अवॉइड करना है। बेसिकली हमको इसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने नहीं देना है, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो इसके मीटरों के अंदर नोटिफिकेशन आते कि आपके व्हीकल का टेम्परेचर इतना है, तो जब वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला होता है या फिर जब आपको पता है कि इतना नॉर्मल रहता था, इससे थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो चलेगा, लेकिन उससे और ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आपको उसी उस टाइम पे रोक देना चाहिए और उसको खड़ा करके उसे ठंडा होने देना चाहिए। थोड़ी छोटी सी चीज़ है ये, तो आप इसको इस तरीके से बचा सकते हैं। और सेकंड जो शॉर्ट सर्किट है वो भी इसी वजह से बढ़ता है, तो ये दो चीज़ें कवर होगी। अब थर्ड बात करते हैं हम ओवर चार्जिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो हमको पता होता है अपना जो व्हीकल है वो कितनी देर में चार्ज हो जाएगा, अगर पूरा भी चार्ज नहीं करना है, कुछ ही परसेंट चार्ज करना है,
तो हम रात में उठ के अपनी नींद खराब करेंगे, उसको ऑफ करेंगे, ये सब करेंगे, मतलब काफी सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ भी बढ़ते थे, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा व्हीकल है वो इतने परसेंट डाउन है तो इतने घंटे में तो बेसिकली वो चार्ज हो ही जाएगा। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्लग परचेज करा था, आपने वीडियो देखी भी होगी, तो ये वाला प्लग था जो मैंने परचेज करा था। और आपने अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार इसको देख लेना कि वर्क कैसे करता है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि यही परचेज करना है, कोई भी आप स्मार्ट प्लग परचेज करके अपने चार्जर को और अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बचा सकते हैं ओवर चार्जिंग की वजह से। और ओवर चार्जिंग की वजह से भी ब्लास्ट हो जाते हैं काफी सारे व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि जो बैटरी पैक होता है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है कि उन चीजों को कवर कर पाए, तो वो ब्लास्ट होते हैं। और काफी सारे केसेस ओवर चार्जिंग की वजह से मैंने देखे भी हैं। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, और काफी सारे अदर ब्रांड हैं जो काफी अच्छे अच्छे स्मार्ट प्लग बनाते हैं, तो आप 16 एम्पीयर का स्मार्ट प्लग परचेज कर सकते हैं। और इसमें दोनों तरीके के लग जाते हैं, वैसे मेरे तो ये काफी ज्यादा काम आ जाता है, बट इसमें एक कमी ये है कि इसमें मैं वोल्टेज चेक नहीं कर सकता कि ये जो मेरा चार्जर है वो कितनी वोल्टेज ले रहा है। सो वहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक है, आप कोई और अच्छे ब्रांड का भी ले सकते हैं, बाकी इसका भी प्राइस रीजनेबल था, ठीक था और काफी अच्छा काम कर भी रहा है। तो अब इसको रखते हैं साइड में। और इससे दो फायदे हो जाते हैं यार, कि एक तो ओवर चार्ज नहीं होता, ओवर चार्ज होने की वजह से जो भी डैमेज आपके चार्जर पे आता है वो चार्जर काफी ज्यादा महंगे आते हैं अगर खराब हो जाते हैं। अगर वारंटी के अंदर खराब होता है तो आपको मिल जाता है, लेकिन वो भी अगर रिवोल्ट की बात करो तो यहाँ पे एक एक महीना लग जाता है बंदों को चार्जर लेने में। लेकिन आप इन चीजों से अपनी चार्जर्स को बचा सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी कॉस्टली आता है। और दूसरा, इसके जो हार्म से आपकी बैटरी खराब हो रही है वो भी काफी ज्यादा कॉस्टली आती है, और अगर वो उससे ब्लास्ट हो जाती है तो उसमें कई बार होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी क्लेम नहीं देती है, तो आपका नुकसान चारों तरफ से है। तो इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने व्हीकल को सेव कर सकते हैं, आग लगने से बचा सकते हैं और उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। और ओवर चार्जिंग की वजह से नॉर्मली हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो भी खराब हो जाती है यार, हम उसको भी ओवर चार्ज नहीं करते, तो ये तो फिर भी व्हीकल है। ओवर चार्जिंग की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की वजह से वहाँ पे मोबाइल भी ब्लास्ट होते, तो आजकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी ब्लास्ट हो रहे हैं। तो आप इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को इन चीजों से भी कनेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है इनको कैसे बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और बताना कि आपको कौन सा वाला पार्ट ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको उस चीज से क्या हेल्प मिली है। और आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है या फिर आपने ऐसी कोई चीज फेस करी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी अब इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।